हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका द होनेस्ट डॉक्टर, और आज हम देखने वाले हैं और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है रेनल कैलकुलाय। हमें उससे किडनी स्टोन कहते हैं, गुर्दे की पथरी कहते हैं, जो बहुत सारे लोगों की परेशानी आज के टाइम पर। तो हम उसका कारण देखेंगे क्या है, उसके लक्षण देखेंगे, और उसका उपचार यानी ट्रीटमेंट क्या है, अब हम ये देखने वाले हैं। तो चलो देखते हैं क्या होता है। किडनी स्टोन अभी के इस टाइम पे बहुत लोग उससे परेशान हैं। जो स्टोन हमारे ब्लैडर में भी मतलब आ जाता है, किडनी में आ जाता है, हमारे यूरेटर में आ जाता है, उसके बाद यूरेथ्रा में आ जाता है, उसकी वजह से बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ती है हमारे रेगुलर लाइफ में। तो हम देखेंगे कि किडनी स्टोन का कारण क्या है, कॉज क्या है, किडनी स्टोन कैसे हमारे बॉडी के अंदर तैयार होता है, क्रिएट होता है, हम देखेंगे। तो देखो, जो जो लोग कम पानी पीते हैं उनमें ज़्यादा दिखता है, ओबेसिटी मोटापे की वजह से भी किडनी स्टोन होता है, जो वेट लॉस की सर्जरी करते हैं उसके टाइम में भी उन्हें किडनी स्टोन होता है, साल्ट और शुगर ज़्यादा खाने की वजह से होता है। नेक्स्ट जो है वो है किस किस को फैमिली हिस्ट्री रहती है, और उसके बाद इन्फेक्शन यानी बैक्टीरियल, वायरल या पैरासिटिक इन्फेक्शन की वजह से भी किडनी स्टोन होता है। जो लोग ज़्यादा कैल्शियम टैबलेट खाते हैं उनको भी किडनी स्टोन की संभावना ज़्यादा होती है। और नेक्स्ट है गंदा पानी पीने की वजह से यानी डर्टी वाटर पीने की वजह से भी किडनी स्टोन होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं उसके लक्षण क्या है, किडनी स्टोन को सिम्टम्स क्या है हम देखेंगे। तो मेन जो सिम्टम आता है वो बैक पेन हो जाता है पेशेंट के, पीठ में दर्द, पेट में दर्द, ये हो जाता है, किस किस के पेशाब में खून आता है यानी यूरिन के अंदर ब्लड आता है। नेक्स्ट होता है पेनफुल यूरिनेशन यानी दर्दनाक पेशाब, पेशाब के टाइम भी बहुत पेन होता है। नेक्स्ट जो सिम्टम है नौशिया, वोमिटिंग बहुत होती है वो पेशेंट को। नेक्स्ट है डिजीनेस यानी चक्कर आता है कुछ कुछ पेशेंट को किडनी स्टोन के टाइम पे। और लास्ट जो है फीवर आ जाता है किडनी स्टोन के पेशेंट को। अब हम देखेंगे कि किडनी स्टोन के हम उपचार कैसे, ट्रीटमेंट क्या क्या कर सकते हैं। तो जो मेन में जो हम देखेंगे घरेलू उपचार जो किडनी स्टोन के, तो पहला आपने ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, किडनी स्टोन को आपको कम करना है तो पानी ज़्यादा पीना है। उसके बाद नींबू का सेवन, खाने में ज़्यादा सेवन करिए नींबू का। उसके बाद बेसिल यानी तुलसी का पत्ते, उसको खाने में ज़्यादा आप उपयोग करिए। उसके बाद शहद आप खाने में ज़्यादा खाइए। उसके बाद जो जो किडनी बीन्स राजमा बोलते हैं आप राजमा का सेवन ज़्यादा करिए। उसके बाद वाटर मेलन जूस, तरबूज का रस पिए, और जो अनार का रस जो होता है वो उसको भी ज़्यादा लीजिए। अब हम देखेंगे कि मेडिसिनल हम क्या क्या कर सकते हैं किडनी स्टोन के लिए, मेडिसिनल दवाई है तो दर्द निवारक, पेन किलर के लिए एंटीबायोटिक जो प्रतिजीवी रहते हैं उसके लिए, और जो कुछ आयुर्वेदिक जो टैबलेट्स है जो कॉमनली यूज होते हैं वो मैं आपको बताने वाला। सिस्टोन हिमालय की टैबलेट है, उससे आप दो टाइम लेने से कम हो जाता है। स्टोन गो भी अच्छी है। उसके बाद ये आयुर्वेदिक और एक है जो बैद्यनाथ की है, जो पथिराना बोलते हैं, उसको भी आप सेवन करके आप स्टोन को क्रश करके कम कर सकते हो। उसके बाद स्टोन सील है। उसके बाद जो आर और एक है वो स्टोन पेन की अच्छी टैबलेट है, इससे भी किडनी स्टोन कम हो जाता है। तो थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिए मुझे, और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मेरे वीडियो को।